हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम लोग 3 जुलाई 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे, और क्योंकि 3 जुलाई के करंट अफेयर स्किप हो गए थे, इस वजह से आज हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको वहां से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और 5 जुलाई से, मतलब आज से, मैंने फुल जीएस का कोर्स स्टार्ट किया है अन अकेडमी पर। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और जीएस में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए varun.awasthi90s-8150, अगर आप इसका यूज करेंगे रेफरल कोड का, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिसेंटली जल शक्ति अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम। अभी हाल ही में जल शक्ति अभियान किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये किससे रिलेटेड है? इसका मेन मोटिव है वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कि जो वाटर का लेवल है वो लगातार कम होता चला जा रहा है, और आगे चलकर भारत को इसकी बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस वजह से जल शक्ति अभियान अभी हाल ही में चलाया गया है। इसमें वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाएगा और वाटर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा। ये एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड गरुण 5 एयरफोर्स एक्सरसाइज विद विच कंट्री। अभी हाल ही में भारत ने गरुण 5 नाम की ये नई एयरफोर्स एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, किस कंट्री के साथ? तो ध्यान रहे, गरुण 5 भारत कर रहा है फ्रांस के साथ, और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? ये है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ध्यान रहे, फ्रांस की तरफ से इसमें रफाइल पार्ट ले रहे हैं और भारत की तरफ से इसमें मिग और सुखोई ले रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इम्प्रेस्ड टॉर्टाइज, क्या नाम है? इम्प्रेस्ड टॉर्टाइज, ये एक अलग तरीके की कछुए की प्रजाति है जिसको इम्प्रेस्ड टॉर्टाइज बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका साइंटिफिक नेम, जिसको बोलते हैं मोनोरिया इम्प्रेसा। क्या बोलते हैं? मोनोरिया इम्प्रेसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखिएगा, इम्प्रेस्ड टॉर्टाइज का। तो अभी हाल ही में इसको किस राज्य में डिस्कवर किया गया, कहां पर इसको पाया गया? तो ध्यान रहे, इसको अभी हाल ही में पाया गया अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में अभी कुछ टाइम पहले फिर से सरकार आई है पेमा खांडू की। पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार है। आंध्र प्रदेश में अभी कुछ टाइम पहले ही नई सरकार आई है वाईएस जगमोहन रेड्डी की। ओके, और आसाम में सरकार है सर्बानंदा सोनवाल की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्पीसीज ऑफ किरोक्रोथाइज बटरफ्लाई हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में एक नई प्रजाति बटरफ्लाई की, जिसका नाम है किरोक्रोथाइस। ओके, ये नई बटरफ्लाई कौन से राज्य में पाई गई है, देखी गई है पहली बार? ये तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में अभी इसको हाल ही में डिस्कवर किया गया, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में सरकार किसकी है? तमिलनाडु में सरकार है के पलानी स्वामी की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? के पलानी स्वामी। और केरला में सरकार है पिनाराय विजयन की, उड़ीसा में सरकार है नवीन पटनायक की, और महाराष्ट्र में सरकार है देवेंद्र फडणवीस की। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है आज में स्पीसीज से रिलेटेड, एक बटरफ्लाई का और दूसरा है टॉर्टाइज का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इन विच डेट। आपसे पूछ रहा है, अभी हाल ही में हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स किस दिन मनाया? तो ध्यान रहे, ये हम लोगों ने मनाया 29 जून को। ये हम लोग क्यों मनाते हैं? ये हम लोग इसलिए मनाते हैं, इसका बेसिकली जो मोटो होता है, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनमें अवेयरनेस फैलाना वेदर से रिलेटेड। ओके, ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ये जो जहां से ट्रॉपिक होकर गुजरती है, ओके, वो जो कंट्रीज होते हैं उन एरियाज में अवेयरनेस फैलाना वेदर से रिलेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडियन क्रिकेटर अंबाती रायटू हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई। वनडे इंटरनेशनल से अंबाती रायडू ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखिए, अंबाती रायडू बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ओके, आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री इन जुडिशरी फील्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, भारत ने जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज के लिए किस कंट्री के साथ अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है? तो भारत ने यह पैक्ट साइन किया है मैक्सिको के साथ, और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी।
The next question is, recently which bank has started Future Bankers Program? अभी हाल ही में किस बैंक ने Future Banker Program ये लॉन्च किया है? तो ये कौन सा बैंक है? ये है HDFC Bank. HDFC Bank ने ये Future Bankers Program लॉन्च किया. HDFC Bank का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई. इसके CEO हैं आदित्य पुरी. ओके, अब ये Future Bankers Program है क्या? इसका मतलब ये है कि HDFC ने अनाउंस किया है कि अगले 3 सालों में ये 5000 बैंकर्स को रिक्रूट करेंगे, 5000 एम्प्लॉइज रिक्रूट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से. ओके, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, ICICI का हेडक्वार्टर भी मुंबई है और यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नर हैज अनाउंस टू प्लांट 50 लाख ट्रीज बाई 2020. अगले साल तक मतलब 2020 तक किस राज्य के गवर्नर ने अनाउंस किया है कि 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे इस राज्य में? ये हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर, जिनका नाम है सत्यपाल मलिक. क्या नाम है? सत्यपाल मलिक. इन्होंने अनाउंस किया कि 2020 तक जम्मू कश्मीर में 50 लाख और पौधे लगाए जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 21st एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप इज टू ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट. 21वां संस्करण कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ये कौन से राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा उड़ीसा में. ओके, उड़ीसा के जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में. ओके, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो कि उड़ीसा के कटक में. और ये कब से कब तक होगा? ये होगा 17 जुलाई से स्टार्ट और 22 जुलाई तक चलेगा. ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने जा रही है उड़ीसा के कटक में. तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे. फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें. और रेफरल कोड ध्यान रखें, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आप ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय. सी यू टुमारो.